हेलो गाइस, वेलकम टू सिंपल स्निप कोड। और आज के वीडियो में हमारा एम है टू फाइंड इवन और ऑड। सो उससे पहले समझ लेते हैं कि इवन और ऑड होता क्या है। ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड हो जाएं और हमें रिमाइंडर जीरो मिले, ऐसे नंबर इवन नंबर होते हैं और जो बचे हुए नंबर है वो ऑड नंबर होता है। तो इसे परफॉर्म कैसे करना है वो देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आउटपुट स्क्रीन से। लाइक इमेजिन करते हैं आउटपुट कि आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट होगा, एंटर अ नंबर, राइट। यूजर एक नंबर एंटर करेगा लाइक 34, एनीथिंग। इसके बाद हम उस नंबर को ए में असाइन कर लेते हैं, राइट। ओके, इसके बाद परफॉर्म करते हैं अपना ऑपरेशन। सो हमें यह चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। ओके, सो अगर हम इस नंबर को दो से डिवाइड कर दें तो हमें कोशेंट मिलेगा जो कि शायद 1 और 7 मिलेगा, राइट। बट हमें कोशेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिमाइंडर। सो जब भी हमें रिमाइंडर चाहिए होता है तो हम एक स्पेशल लाइक हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं, राइट। अगर इफ चेक करते हैं, इफ ए मॉडुलस 2, राइट। इफ ए व्हाट एवर यूजर इज इंटर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड वी गॉट रिमाइंडर एज अ 0, देन इट इज इवन नंबर। ओके ओके, जैसे कि 34 है तो अगर 34 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे रिमाइंडर 0 मिलेगा, राइट। एक ये केस हो गया। और एक केस ऐसा बना लेते हैं जिसमें यूजर एक यूजर या फिर नेगेटिव नंबर या फिर कोई और नंबर एंटर करता है। तो उसके लिए हम कंडीशन बना लेते हैं, इफ एल्स इफ ए इज लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसमें हम प्रिंट कर देंगे This is a real number, okay? Yes, हम else part लगाते हैं, नहीं तो जो number है वो odd है, ठीक है? तो इसे implement करते हैं code blocks में। Start करते हैं implementation, start with including files, has include iostream using namespace std, okay. After that move on our main function with return 0, okay. As we know, for this program we require only one variable. After that print a message on output screen, enter a number, okay. Store this number on a variable, okay. So after that first of all start with if condition. So सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर वो वैल्यू माइनस में या फिर जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो या फिर माइनस की चीजें इवन ऑड नहीं है, ओके। सो इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 0, प्रिंट अ मैसेज, this is real number, right? Else if, okay, else if a modulus 2 which is equal to 0, okay, because I work with remainder not for quotient, okay. So else if a modulus 2 which is equal to 0, so print even number, else our number is odd, so odd number, okay. Save, built
build times 1. Okay, so internal number like 12. 12 is an even number. Run it again. 69, which is odd number. Okay, run it again. Minus 20, which is real number. So yeah, this is all about this video, guys. If you like this video, then please subscribe the channel.